इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि नीतीश कैबिनेट में 65% आरक्षण पर मुहर लग गई है। क्या कुछ खबर है जानेंगे वरिष्ठ सहयोगी आशुतोष मिश्रा से। सर, क्या कुछ खबर आ रही है? जी बिल्कुल निशा, इस वक्त की बड़ी खबर है। आज जी आज ही विधानसभा में नीतीश कुमार ने आरक्षण का दायरा 50% से 65% करने की बात कही थी। ये भी कहा था कि इससे संबंधित कानून भी इसी सत्र में प्रस्ताव पेश होगा बिल का। तो जी इसमें मेजर डेवलपमेंट ये है कि ठीक नीतीश कुमार की सदन में घोषणा के ठीक बाद जी नीतीश कैबिनेट की यानी मंत्रिमंडल की बैठक हुई है, उनकी मंत्रिमंडल की, और उस मंत्रिमंडल की बैठक में इस बात पर मुहर भी लगा दी गई है कि 65% आरक्षण होना चाहिए। यानी जो अभी फिलहाल जो 50% है जी उसमें 15% का इजाफा होगा। चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार का के इस कदम को बहुत बड़े दांव के रूप में देखा जा रहा है। अब बिहार में जो आरक्षण का जो प्रतिशत है, चूंकि जी पहले से 10% गरीब सवर्णों के लिए भी दिया गया है, तो टोटल अब 75% हो जाएगा। यानी कि 25% सीट ही अनारक्षित रह पाएगी। जी तो ये एक मेजर डेवलपमेंट है, बड़ी खबर है। इसके अलावा एक और जानकारी सामने आ रही है कि जी कल नहीं, परसों यानी कि 9 नवंबर को जी विधानसभा में भी इससे संबंध बिल मतलब पेश किया जाएगा। यानी इसको कानून की शक्ल देने की भी कोशिश शुरू हो गई है, और कानून की शक्ल देने की प्रक्रिया में भी पहला कदम 9 नवंबर को नीतीश सरकार बढ़ाने जा रही है, इसको बिल की शक्ल देने जा रही है। यानी इसको कानून बनाने की कोशिश में लग गई है, ताकि कानूनी अड़चने जो है फंस जाती है, आमतौर पर मामला लटक जाता है तो न लटके। हालांकि उसको भी चुनौती दी जा सकती है, और कई जगह कई स्टेट में ऐसे कानून भी बनाए गए हैं ज्यादा फीसदी आरक्षण देने के लिए, तो वहां भी अदालत में ये चक्कर काट रहा है, अदालत का सामना करना पड़ रहा है। और बीजेपी हो या फिर हमारे साथ स्टूडियो में नवल किशोर चौधरी भी आए थे, अर्थशास्त्री भी, उन्होंने भी कहा था कि ये चुनावी हथकंडा पर है, कोई जरूरी नहीं कि ये अदालत में ये मामला टिक भी पाए, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि नहीं टिके। तो 50-50 का ये है, लेकिन सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। सरकार ने पहले ही इस बात के संकेत दिए थे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसकी उतनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए चाहे जो कदम हो वो जी सरकार उठाएगी। और नीतीश कुमार ने आज यही बातें सदन में दोहराई भी है, और देर शाम का डेवलपमेंट ये है कि नीतीश कैबिनेट में मुहर भी लगा दी है, और अब 9 तारीख को इससे संबंधित बिल भी सदन में पेश होगा। निशा, जी बिल्कुल। तो देखिए, जिस तरीके से नीतीश कुमार आज बिहार विधानसभा में भी ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, और ये जो है चरितार्थ होती हुई भी नजर आ रही है। जिस तरीके से आज 35% आरक्षण पर मुहर लग गई है। फिर सारी जानकारी के लिए धन्यवाद।